Correction की बात कर हैं। क्या है? हमारी own motions जो है, पे हमें केसेस कि ड्रॉप करने पड़ते हैं ये एक ऐसे प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसकी रीजन जिसका रैशनल बड़ा सॉलिड मौजूद है जो अच्छा एक काम है उसको इंडोर्स करने के लिए इस तरह की ओन मोशन उनको हेल्प कर सकती है अच्छे ऑफिसर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ गुड क्रेडिबिलिटी ओन मोशन हो या कंप्लेंट हो जिन केसेज में वी एग्री विद द डिपार्टमेंट हम उनके काम को एक्नोलेज करें और हम उस एक्नोलमेंट की रसीट भी दे रहे हैं एफ टी ओ टी में आपको खुश आमदेद कहते हैं और आज का हमारा सेगमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कुछ एजुकेशनल साइड पे हम बात करेंगे कि हमारी जो जुरिस्टिक्शन है उसमें एक ओन मोशन है जहाँ पे एफ टी ओ के एडवाइजर्स एफ टी ओ के बिहाफ पे खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं और कुछ प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हमें ये पता चले कि रेवेन्यू अथॉरिटी या इम्प्लॉय वहाँ के उनमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमारे जो एक्ट है उसमें प्रोविजन मौजूद है कि हम ख़ुद से इनिशिएटिव लेके हम कार्रवाई कर सकते हैं है क्या इसके अंदर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी लीगल फर्टर्निटी के अंदर इसका डिफरेंट किस्म के मतलब निकाले जाते हैं और एट टाइम्स लोगों को भी इसका अंदाज़ा नहीं आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरे साथ हमारे बड़े सीनियर एडवाइज़र मौजूद हैं जनाब तनवीर अख्तर मलिक साहब सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नाइन सेक्शन जो आ, हमारा एफ का है उसका सब क्लॉज वन जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहती है कि एफ टी ओ ऑन हिज ओन मोशन कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मेल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि तमाम लोग इसको समझ सकें थैंक यू वेरी मच अलमास आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आ, हमारा सेक्शन नाइन है उसमें जो ऑफिस uh, जिनको ये चीज़ डेलीगेट uh, की गई है कि जो ये एक्सरसाइज कर, कर सकते हैं ऑन मोशन या रेफर कर सकती हैं उनमें जैसे सैनट ऑफ पाकिस्तान है कौमी असम्बली है आपकी प्रेजेंसी है पीएम एम सेक्रेटेरिएट है तो उनमें जो एंड पे है उसमें एफटीओ ऑफिस को भी एफटीओ जो हमारा ऑफिस है उसको भी अथराइज़ किया गया है कि वो भी वेन एवर दे फाइंड एनी इंसिडेंट्स ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो उसको ऑन इट्स ओन टेकअप कर सकते हैं उसके लिए किसी कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं इसकी शायद एक वजह जो मुझे समझ आती है पहली हर स्टेचूट का एक रैशनल होता है ठीक तो मैं समझता हूँ कि इसका रैशनल ये है कि जो इंटेंट ऑफ द स्टेचूट है वो ये नहीं है कि इट शुड बी अ कंप्लेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जब आप एक ऑफिस क्रिएट करते हैं जिसमें आप इंतहाई सीनियर मोस्ट लोगों को आ, उस पर एज एफ टी ओ लगाते हैं तो उनसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की या फेडरल गवर्नमेंट की ये तो होती है कि उनका जो अब तक का तजर्बा है अब तक का एक्सपोजर है उसकी बेस पे अगर कोई उनके नॉलेज में प्रीवियसली या अभी भी किसी फोरम पे, किसी जगह पे कोई चीज़ उनके नोटिस में लाई जाती है कोई चीज़ तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फॉर्मल कंप्लेंट ऑन पेपर वो उसको अपने तौर पर एक बेसिक होमवर्क करने के बाद उस चीज को ऑथराइज कर सकते हैं और सेकंड एक होती है मेल एडमिनिस्ट्रेशन एक होती है सस्पेक्टेड मेल एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये दो चीजें अलग अलग भी ना होती तो फिर इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत ही नहीं इन्वेस्टिगेशन का तो मकसद ही होता है कि आप एक चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जिस चीज को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं वो सस्पेक्टेड होती है अगर वो प्रूवड हो फिर तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं तो इवन जो कंप्लेंट होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पे भी अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है कोई आ, उनको इनपुट दी गई है या एक और चीज़ है जो सबसे अहम तरीक अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन पाकिस्तान इवन इन सो मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सम टाइम कंप्लेनेंट्स के अपने हैंग अप्स होते हैं ठीक उनके हेक अप्स होते हैं एंड समाइम दे आर जस्टिफाइड इफ़ यू फाइल अ कंप्लेंट बाई नेम सो यू मे बी क्रिएटिंग एनिमिटीज जो ये ये बेसिक चीज़ है इस पर अगर आप ये कर दें कि जी सिर्फ कंप्लेंट बाई नेम हो और ऑन ओथ हो और ऑन रेकॉर्ड हो तो आप दर हकीकत कंप्लेंट्स को डिस्करेज कर रहे तो हैं बिश बार लोग इसलिए नहीं आएंगे कि चूंकि उन्होंने बिजनेस करना है टाइम एंड अगेन इन्हीं लोगों से उनका वास्ता पड़ना है सो दे विल बी रिलेक्टेंट एक्चुअली मैं जो हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है ओन मोशन में उसमें जो डेटा हमारे पास है वो क्या हम अखबार से लेते हैं जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं जहाँ पर वो डेटा मौजूद होता है या जो हमारे लोग जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं एट टाइम हमारा सोर्स वो भी होती हैं सो वॉट एग्जैक्टली सोर्स ऑफ दमेशन दैट इसमें जो इसके सोर्स हैं वो मल्टीपल है इसका एक सोर्स तो ये है कि हमारे यहाँ एफ टी ओ आफिस में आप जो मौजूदा हमारे एफ टी ओ साहब तशरीफ़ लाइन के पास एक चीज़ ज़्यादा हो गई है इंटरेक्टिव सेशनज हैं चैम्बर्स के साथ ट्रेड बॉडीज़ के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ इवन जो आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनके स्टेक्स हैं स्टेक होल्डर्स आई वुड से उनके साथ जब आपका पब्लिक अवेयरनेस की आपकी चीज़ ज़्यादा होती है तो यू कम अक्रॉस जिसे कहते हैं बेतहाशा इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है उसमें एक शिफ्टिंग होती है कि जब आप कोई भी किसी चैम्बर के पास जाते हैं आप किसी ट्रेड बॉडी के पास जाते हैं आप टैक्स बार के पास जाते हैं कहीं भी जाते हैं सो दे टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स सो उनसे एक तो डिसाइफर होता है दूसरी आपने बिल्कुल बजा कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट की जो मैं आपके ऊपर छोटी सी मिसाल देता हूँ आई वुड नॉट कोर्ट द केस सो इट शुड नॉट डिफीट द पर्पज अभी रिसेंटली हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का केस ऑन मोशन लिया और वो इस तरह का ऑन मोशन है कि उसमें डिपार्टमेंट हैज़ नॉट गॉन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ठीक है उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज ऐसे लगा लें एक्चुअली इट वॉज शेयर्ड विद अस बाय अ डिपार्टमेंटल ऑफिसर ठीक ही ही थाट कि दिस इज़ नॉट फेयर इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट ही जस्ट कन्फाइडेड विद अस और हमने एफ टी ऑफिस ने उस पर लिया और वो उस पर फाइनल चीज़ हुई तो मैं ये समझता हूँ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं सम टाइम ऐसा भी होता है यहाँ पे ऐसी हमने कंप्लेन देखी जिनमें कंप्लेंट ये कह देता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए ठीक है तो वो जो डिपार्टमेंट के अंदर सर लोग मौजूद हैं हाँ। जो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं जिनके सामने ये सारी चीज़ें हो हो रही होती हैं आपके कॉन्शस है आपकी अपने मुल्क से आप अपने लोगों से एक मोहब्बत है एंड यू वांट दैट सन्सरिटी टू बी रिफ्लेक्टेड तो वहाँ पे इन गुड फेथ अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आई बिलीव के एफ कैन टेक ओन मोशन बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्टली एक तो ये है दूसरा एक और भी है कि एफ ऑफिस में हमारे जो हेड ऑफिस है और हमारे रीजनल ऑफिस इनमें जो हमारे एडवाइजर्स हैं ऑल ऑफ दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स ऑफ द फील्ड अब अगर आप चीफ कलेक्टर रहे हैं आप चीफ कमिश्नर रहे हैं आप कमिश्नर रहे हैं आप मेंबर रहे हैं तो आपकी अपना जो जो आपकी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होती है उसमें सैकड़ों ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कैरियर में ऑब्जर्व की होती हैं लेकिन सम और दिए तर कई दफ़ा आपकी पोजीशन ऐसी नहीं होती मसलन आप अपील्स में हैं लेकिन इशू ऑपरेशन से मुतल है नो वन वुड लाइक कि अपील का आदमी ऑपरेशन में इंटरफेयर करे या उनको वो चीज़ करे लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ हो रही है इसी तरह एक आदमी कमिश्नर फील्ड में लगा हुआ है लेकिन पॉलिसी में कोई ऐसी चीज आ गई है जो डिस्टॉर्टिंग है या जो लॉ को बाईपास कर रही है तो अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस आपके एक्सपोजर पर बेस होती हैं लेकिन आप समझ दिए अदर आप नहीं कर पाते अच्छा सर मुझे ये बताइए Uh, कि जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स होती हैं उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है कि मेरा ये ग्रीवेंस है मैंने ये किया और मुझे ये रिलीफ नहीं दिया गया और इसमें जो ऑफिसर्स थे उनका कंडक्ट चाहिए था या जो टैक्स इम्प्लाइज थे उनका मेरे साथ कंडक्ट चाहिए था जो ओन मोशन में आप एक मेगा मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अनर्थ कर सकते हैं जो कि शायद इंडिविजुअल केसेस में आप नहीं कर सकते हमने यहाँ पर ये यह देखा कि ओन मोशन में कोई आठ हज़ार पाँच सौ पचपन के करीब ऐसी कंसाइनमेंट कस्टम्स की जो कि एक लंबी अरसे से ऑक्शन नहीं हुई थी तो एक बंदा तो अपनी गाड़ी की बात कर सकता है लेकिन जब ओन मोशन में आप करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल करेक्शन की बात कर सकते हैं एम आई करेक्ट अबाउट दिस मान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं उसकी आपको एक और मिसाल दूंगा आ, इनकम टैक्स आपने कस्टम्स की मिसाल दी मैं इनकम टैक्स एक मिसाल कोट करूंगा कि इनकम टैक्स ला में 2014 में एक तरमीम आई थी कि अगर कोई शख्स एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते है अपनी रिटर्न में क्लेमिंग इट एज एग्जैम्टो कि यह पोन्शियल सब्जेक्ट है तो ऑर्डीनरी इससे पहले सिर्फ डिकलरेशन होता था एंड दैट इनकम वुड बी एक्सेप्टेड दो हजार चौदह में उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ उस इनकम को एक्सेप्ट करेंगे जिस पे आपने प्रोविंस को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिया होगा ठीक राइट आई यू पे देयर आर पे हेयर तो इट मीन्स के ये एक बहुत सेन uh, किस्म का रैशनलाइज सब चीज़ थी कि आप आईधर दे यू शुड पे टू द वी विल चार्ज यू हेयर ये चेंज आ गई उस पर बहुत सारे uh, जो चीज़ थी वो ये हुई थी कि पीपल कैप्ट ऑन डिक्लेयरिंग द इनकम Without giving the evidence whether they have paid tax to provinces or not. Okay. FT officer motionly uh, on motion. FPR के साथ ये एक चीज की उसको किया उसमें हजारों केसेस रीओपन हुए <laughs> ठीक बिल्कुल उन सब में टैक्स चार्ज किया गया हाँ। उन सब लोगों को टैक्स पे करना पड़ा तो आप ये समझिए कि इस ओन मोशन का जो बेनिफिशियरी थी वो स्टेट थी बिल्कुल सर मुझे ये बताएं कि जहां पे हम ये कहते हैं कि कोई बंदा अग्रीव इंडिविजुअल है या आर्टिफिशियल जूरिस्टिक पर्सन है और वो कंप्लेंट लेके आया कि जी ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है बाजूत मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई अग्रीव इंडिविजुअल आपको मिलता नहीं बेनिफिशरी मिलते हैं उसमें आ, एक जो टैक्स पेयर है वो भी बेनिफिशरी है और डिपार्टमेंट के लोग भी दोनों बेनिफिशरी हैं अगरीव बंदा तो आपको मिला नहीं अग्रीव तो सिर्फ स्टेट है ऐसे केसेस में ओन मोशन जो है उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि फॉर द सेक ऑफ द स्टेट एक्चुअली हमें ओन मोशन बिकॉज इसमें वो मेगा स्कैंडल्स जहाँ पे ऑफिसर्स इम्प्लॉइज वो बेनिफिट कर रहे हैं और साथ उनके टैक्सपेयर दोनों दो सो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस जो है दैट दैट गेट मैनी फोल्ड अल्वा साहब आपने जो बात की है थियोरेटिकली मैं आपको एग्जैक्ट उसका एक प्रैक्टिकल प्रेक्टिक, चीज़ बताता हूँ जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें शायद इंटरेस्ट करे दो में एफ ऑफिस ने एक ओन मोशन लिया और वो ओन मोशन ये था कि सैकड़ों वो केसेस थे जिनमें बोगस सेल टैक्स रिफंड इशू हुए अब जब कभी बोगस सेल टैक्स रिफंड इशू होता है तो वो एक पार्टी नहीं करती दोनों बेनिफिशरी सेड <laughs> जो आपने कहा चनाचे उसमें दोनों बेनिफिशरीज थे और कंप्लेंट तो आनी नहीं थी चनाचे उन केसेस में तकरीबन कोई एक 150 के करीब केसेस थे उनमें ओन मोशन हुआ वो सारे के सब में बहुत सेल टैक्स रिफंड का इशू था और उनमें चीज़ हुई फाइनली जो उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो दे वेंट टू द प्रेसिडेंसी कुछ टैक्स पेयर भी गए और कुछ अफसर भी गए ठीक और प्रेसिडेंसी ने एफटीओ के उस एक्सरसाइज को किया। 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 बल्कि ये कहा कि ये काम तो एफपीआर को खुद करना चाहिए था विच हैज़ बीन डन बा सो so, मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल बजा कहा कि उस केस में दोनों बेनिफिशरी थे और मल्टीपल केसेस थे हंड्रेड्स ऑफ केसेस और उनमें तकरीबन कोई पैंसठ सत्तर अरब रुपया इन्वॉल्व था इतनी बड़ी अमाउंट जी तो सर सक्सेस रेट क्या है हमारी ओन मोशंस जो है उसका कहाँ पे हमें समझते हैं कि हमें केसेस ड्रॉप करने पड़ते हैं और अदरवाइज जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें हमें सक्सेस भी मिलता है ओन मोशन में मैं एक और चीज़ ये कहूँगा लाइक अदर जिस तरह एफ में रूटीन की कम्प्लेंट आती है तो कम्प्लेंट न तो बाइबल का वर्ड है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज़ और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि इट शुड थ्रो इट अवे वी शुड थ्रो इट अवे नॉट इट आ मैं ये समझता हूँ मेरिट ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल केस इज़ एक्चुअली ठीक जो सबसे अहम चीज़ है ओन मोशन में भी ये है हमारा एक हंच है या हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने ओन मोशन लिया और उसके बाद जब हम उसको चीज़ की तो जो डिपार्टमेंट की एक्सप्लेनेशन थी या जो डिपार्टमेंट के रैशनल था वो अंडरस्टेंडेबल था तो मैं समझता हूँ कि ईच एंड एवरी ओन मोशन वी मे नॉट एक्सपेक्ट कि वो इस तरह होगा जिस तरह ये रेड अलर्ट वाले केसेस थे या एग्रीकल्चर इनकम वाले केसेस थे तो ये यानी उसमें ये चीज़ रहेगी लेकिन ओन मोशन का जो बेसिक रेशनैल है जो हमने शुरू में डिस्कस किया है कि ये एक ऐसी प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसकी रीज़न इसका रैशनल बड़ा सॉलिड मौजूद है ठीक है मैं इसमें एक चीज़ डिस्पेल करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इम्प्रेशन ये है कि जब ओन मोशन हम शुरू करेंगे तो कार्रवाई होगी होगी ऐसा नहीं है जिस तरह आपने कहा कि हर केस के अपने मेरिट्स हैं उसका अपना एक हम उसे देखना पड़ता है और उसी के मुताबिक फैसला होता है बास जगहों पे ओन मोशन पे हमने अपने केसेस ड्रॉप किए और बास में हम उसको आगे लेके भी चले मैं आपको एग्जैक्ट बिल्कुल इसी महीने के मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ दिसंबर की बात कर रहा हूँ जो आपने बात की ताकि हम ऑन मोशन पे ये चीज़ डिस्पेल करें या लोगों को सही बता सकें लीगल रेटैंड को भी और टेक्स डिपार्टमेंट को भी सबको दिसंबर में और जनवरी बल्कि दिसंबर में तकरीबन कोई हंड्रेड के करीब उन इश्यूज़ पे ऑन मोशन ली गई जो सिस्टमिक इश्यूज़ थे ठीक है मिसाल के तौर तो, पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि अपील जब डिसाइड हो जाती है उसके लिए एक सौ वन में मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि आप उसका अपील इफेक्ट कब देंगे ठीक है ये सूरत हाल हो गई तो इतने पीरियड में उसमें पूरा एक प्रोसीजर है देर वॉज कंसिस्टेंट जो एक चीज़ थी फील्ड से हमें चीज़ मिलती थी वकील भी बताते थे कि जी वक्त पे अपील इफेक्ट नहीं दिया जाता अपील टैक्सपेयर के हक़ में हो गई अपील का डिसीजन वो इफेक्ट नहीं करते जब आप उसका इफेक्ट नहीं देंगे तो उसे रिलीफ नहीं मिलेगा ठीक है अगर डिमांड है तो डिमांड हैंगिंग रहेगी अच्छा अगर उसका रिफंड है तो रिफंड नॉन एग्जिस्टेंट रहेगा अपील इफेक्ट जो नहीं दिया उस पर हमने तकरीबन कोई एक ये इशू था एक ये इशू था कि जब लोग रिड्यूस रेट पे एग्जाम्पन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं या एग्जाम्पन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो जो गिवन टाइम है जो स्टिपुलेटेड टाइम है ला के तहत उसमें सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता ठीक इन दो केसेस पे इन दो पे तकरीबन तो कोई फिफ्टी के एक और फिफ्टी हंड्रेड के करीब ओ एम किए गए पाकिस्तान पूरे में जितने फील्ड फार्मेशन सबको सुन के था होगी जब उसको हमने किया तो डिफरेंट जगहों पर जो फैक्ट बेस्ड रिस्पॉन्स आया उस पर तकरीबन तो ट्वेंटी परसेंट वो ओ एम अप होल्ड हुई और 80 परसेंट में हमने कहा डिपार्टमेंट ठीक कर रही है बिल्कुल ठीक है सर मुझे ये बताएं ये बड़ी जबरदस्त बात है जहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ उंगलियाँ उठती हैं मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है लोग उन्हें सस्पेक्ट करते हैं अखबार में और मीडिया में ये बातें आती हैं वहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी को उनके जो अच्छा एक काम है उसको इंडोर्स करने के लिए इस तरह की ओन मोशंस उनको हेल्प कर सकती हैं अच्छे ऑफिसर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ गुड क्रेडिबिलिटी इंडोर्समेंट फ्रॉम आस मैं इसको सेकंड करूंगा कि अब जब वो केसेस हैं हालांकि के हम चाहते तो हम उनको अपने तौर पे इंटरनली भी फाइल कर सकते थे बट ईच एंड एवरी दैट केस हैज़ बीन सेंट टू द सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन चेयरमैन ऑफ पीआर जिसमें हमने ये एक्नॉलेज किया है कि हम हमारी सस्पेशन गई थी हमने ये चीज़ इन्वेस्टिगेट की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपके अफसरों का काम है। ठीक है बिल्कुल ठीक है तो हमने वो चीज़ उनके साथ शेयर की है सो हाँ। so, अगर वो किसी चाहें किसी फोरम पर वो ये बता सकते हैं कि ये देखें एफ ऑफिस ने और एक तो ये दूसरा इमार ऑर्डनरी कंप्लेंट्स में भी जिस कंप्लेंट में कोई मीट नहीं होता या जिस कंप्लेंट में हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है डिपार्टमेंट ने ठीक काम किया तो हम उतनी फोर्स के साथ उतनी फोर्स के साथ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी इंटीमेशन भी डिपार्टमेंट को जाती है बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब कि ऑन मोशन हो या कंप्लेंट हो जिन केसेस में वी एग्री विद द डिपार्टमेंट हम उनके काम को एक्नोलेज रहे करें ठीक है और हम उस एक्नोलिजमेंट की रिसीट भी दे रहे हैं सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम यहाँ पे ये बात हमने इस्टेब्लिश की कि जो ऑफिसर्स और इम्प्लॉइज़ अच्छा काम करते हैं उनको इंडोर्समेंट मिलती है क्रेडिबिलिटी उनकी ज़्यादा बढ़ती है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन और ओन मोशन के नतीजे में भी हम उनको शाबाश देते हैं और जहाँ पे हमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती है ये वो लोग हैं जिनको शायद फिक्र है ये वो लोग हैं जो कि हमारी ओन मोशन से शायद घबराते हैं लेकिन ये तो बहुत थोड़ा नंबर है और वो जो बेशुमार लोग डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि हमारा ये इनिशिएटिव उनके काम को मजीद तकवीयत पहुँचाता है और लोगों को रिलीफ मिलता है वो तमाम लोग जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं जिनको ये रिलीफ नहीं मिलता अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस में इजाफा होता है रेवेन्यू नहीं मिलता और हमारे इस इनिशिएटिव से अरबों रुपए का रेवेन्यू रिकवर हुआ और हमारा ये काम जारी रहेगा आपको मज़ीद भी इस तरह के इशूज़ पर हम एजुकेट करते रहेंगे थैंक यू सो मच